Now we are going to start with the next topic, that is family planning. बहुत easy topic है और one or two marks का question फिर से हमारे board exam में आता है, तो we have to concentrate here fully. Now see, family planning क्या होता है कि determining the number of child in a family, कि जब भी किसी family में number of child determine किया जाता है कि if a couple is going to have only two children or only one children or the three children, तो that is called to be the family planning. वही जो idea होता है, that is called to be the family planning. उसी को हम family planning के अंदर consider करते हैं कि जब भी कोई couple अपनी family के size को determine करे, यानी हमारे दो baby होंगे या एक ही baby हम रखेंगे या तीन baby हम afford कर सकते हैं, तो वो सब क्या है, that is family planning. So why there is a need of the family planning? क्यों है, क्यों है? एक तो सबसे पहले कि एज गैप मेंटेन करने के लिए. जनरली आप देखते हो कि फर्स्ट चाइल्ड के बाद दो तीन साल का गैप लिया जाता है, उसके बाद सेकंड बेबी बनाया जाता है, तो व्हाट वी कैन से सेकंड बेबी ऑप्ट किया जाता है, तो ये सब क्या है, दैट इज फैमिली प्लानिंग. ये सब फैमिली प्लानिंग है. फैमिली प्लानिंग क्यों की जाती है? बाय वी कैन से कंसिडरिंग अवर रिसोर्सेज, कि एक तो रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारी कितनी अर्निंग है, हमारी कितनी एज है, कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, कितने बच्चों की स्कूलिंग हम करा सकते हैं, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या की जाती है, फैमिली प्लानिंग. अपने इनकम सोर्सेज को ध्यान में रखा जाता है, फिर खर्चों को ध्यान में रखा जाता है, यानी कितना हमारा बजट रहेगा, कितने हमारे एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, कितने हमारे खर्चे रहेंगे, तो उन सब चीजों को देखकर क्या किया जाता है, साइज ऑफ द फैमिली को डिटरमाइन किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी द फैमिली प्लानिंग. तो देखिए, कहते हैं देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग. वेरी फर्स्ट इज एजुकेशन, कि सबसे पहले तो हम लोगों को एजुकेट करें कि बड़ी फैमिली के क्या नुकसान है, छोटी फैमिली के क्या फायदे हैं. तो सबसे पहले है कि लोगों को उन चीजों के बारे में अवेयर कराया जाए. पहले देखते थे बहुत पुराने जमाने में, 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, फिर 6-7 बच्चे होते थे, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया 3-4 बच्चे होते थे. बट नाउडेज द फैमिलीज आर हैविंग वन और मैक्सिमम द टू चिल्ड्रन, उनके पास एक या मैक्सिमम दो बच्चे हैं. एक स्कीम भी इंडिया में लॉन्च हुई थी, हम दो हमारे दो, उसमें क्या था कि दो पेरेंट्स हैं, दो उनके बच्चे हैं सिर्फ. तो व्हाट वी कैन से, दिस वाज ओनली टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया था. तो देखिए, यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले तो लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को उसके प्रॉफिट्स और वी कैन से उनके फायदे और नुकसान दोनों बताए जाए. अब इसके बाद कहते हैं फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड्स. तो पहला तो है एजुकेटिंग द पीपल, तो जो लोग एजुकेटेड हैं वो अपने आप ही कर सकते हैं. तो सेकंड कहते हैं फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड्स, कि कुछ मेथड्स हम ऑप्ट कर सकते हैं. वो कैसे, कि देर आर सम परमानेंट मेथड्स एंड सम अदर टेम्परेरी मेथड्स, कि कुछ तो परमानेंट मेथड्स हैं जिससे आगे फर्टिलिटी ना हो, यानी फर्टिलाइजेशन ना हो और आगे कोई डिलीवरी हमें नहीं करनी. तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि परमानेंट मेथड्स दो तरह के होते हैं. कौन कौन से, वन इज इन केस ऑफ द मेल, अनदर वन इज इन केस ऑफ द फीमेल. मेल के केस में वासा डिफरेंशियल जो ट्यूब होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसको सीजर की हेल्प से कट किया जाता है और दोनों एंड्स को थ्रेड के साथ बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म्स आगे फ्लोट ना करें. और स्पर्म्स नहीं आएंगे तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, फिटस नहीं बनेगा, बेबी नहीं होगा. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मेल के केस में जो सिजेरियन होता है, ऑपरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड टू बी द वैसेक्टोमी. द प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी द वैसेक्टोमी. अब वही सिजेरियन इन केस ऑफ फीमेल भी होता है, उसमें क्या किया जाता है कि फिलोपियन ट्यूब्स को कट करके थ्रेड के साथ बांध दिया जाता है ताकि ओवम आगे ना आ सके और स्पर्म आपस में दोनों फर्टिलाइज ना कर सके. जब वो आपस में फर्टिलाइज नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी. तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के ये तो परमानेंट मेथड्स है. क्या है, इन केस ऑफ फीमेल इट इज ट्यूबेक्टोमी एंड इन केस ऑफ मेल इट इज वैसेक्टोमी. बट इफ वी वांट एन एज गैप, एज गैप हमें चाहिए अमंग द कॉन्टिन्यूस कैसे अमंग द प्रेगनेंसीज, की प्रेगनेंसीज के बीच में अगर एज गैप चाहिए तो उसके लिए देयर आर सम टेम्परेरी मेथड्स, कुछ टेम्परेरी मेथड्स हैं. अब वो क्या है, फर्स्ट इज एबस्टिनेंस, मींस नो सेक्स, कि स्टे अवे. दिस इज द बेस्ट मेथड, कि नो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट इज टू बी कैरीड आउट. Then after that withdrawal technique, कि just before the shedding of the semen, the penis is to be taken out from the female vagina, that is called to be the withdrawal technique. वो withdrawal technique के अंदर आता है. Then safe period, that is 1 week before the menstruation cycle and 1 week after the menstruation cycle is considered safe. वो safe consider किया जाता है. During that time period, pregnancy does not occur. उस time period में pregnancy नहीं होती. अब उसके बाद कहते हैं देयर आर सम मैकेनिकल मेथड्स, कुछ मैकेनिकल मेथड्स हैं जिनसे कि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है. वेरी फर्स्ट इज द कंडोम. दिस इज द, वी कैन से दिस इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच
prevents the deposition of semen into the female vagina. ये वो instrument है, we can say, जिसके through जो semen है या spermatic fluid है, वो prevent हो जाता है before shedding into the vagina. कि vagina में वो नहीं जाता. After that, intrauterine devices. कुछ ऐसे devices होते हैं जो female के uterus के अंदर fit कर दिए जाते हैं ताकि sperm और ovum आपस में fuse ना कर सकें. That is copper tea. आपने काफी सुना होगा. That is copper tea. Copper tea क्या होता है? ये exam में question आ जाता है. What is copper tea या what is intrauterine devices? ये वो devices हैं. These are the devices which are to be fitted inside the uterus of the female. जो फीमेल के यूटरस के अंदर फिट कर दिए जाते हैं टू अवॉइड द फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट और ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम. तो देखिए कोपर टी अपने आप में कैपिटल टी शेप की एक कोपर की बनी हुई ट्यूब होती है. कैपिटल टी शेप्ड कोपर की बनी हुई ट्यूब होती है जो कि यूटरस के अंदर फिट कर दी जाती है, फीमेल यूटरस के अंदर फिट की जाती है ताकि स्पर्म्स और ओवम्स का फ्यूजन ना हो. After that, there is a chemical methods. कुछ chemical methods हैं, यानी कुछ chemicals भी use होते हैं. Very first is the spermicides, यानी कुछ ऐसे chemicals जैसे ही vagina के अंदर spermatic fluid release होता है, तो ये sperm वो उनको kill कर देते हैं, उनको मार देते हैं, तो यानी pregnancy नहीं होगी. Now the next is hormonal contraceptives. Hormonal contraceptives, यानी कुछ ऐसी oral pills use की जाती हैं जिससे कि हमारे hormones ही effect हो जाते हैं और ovulation नहीं होता, यानी egg का जो release है वो नहीं होता. So that is Mala D, Mala N, commonly market में available होती हैं and these are the oral pills. After that what we can say, the last is abortion. अगर ये सारे method opt करते हुए भी pregnancy हो जाती है तो उसका एक last इलाज है, that is abortion, यानी medical termination of pregnancy, MTP, कि pregnancy को medically terminate कर दिया जाए. So in this way we can carry out the family planning. इसी method से हम family planning कर सकते हैं. अब देखिए थोड़ा सा हम discuss करेंगे topic child bearing woman health, कि प्रेग्नेंट लेडीज की हेल्थ के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए. अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वुमेन हेल्थ के बारे में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए. कैसे कैसे हम वो हेल्प कर सकते हैं? वेरी फर्स्टली एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन शुड बी गिवन टू देम. कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन उन्हें देना चाहिए. आफ्टर दैट देयर वर्कलोड शुड बी रिड्यूस्ड. उनका वर्कलोड जो है वो फैमिली के अदर मेंबर्स के कंपैरिजन कुछ कम होना चाहिए सो दैट दे कैन टेक रेस्ट प्रॉपरली, ताकि वो प्रॉपरली रेस्ट कर सके. आफ्टर दैट दे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एज वेल एज मेंटल टेंशन. किसी तरह की मेंटल और फिजिकल टेंशन से उन्हें दूर रखना चाहिए. घर में अगर कोई किसी टाइप का कोई डिस्प्यूट है तो उन तक वो बात नहीं पहुंचनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई कैन से आफ्टर दैट They will stay away from different types of drinks as well as the different types of smoking. किसी तरह की कोई smoking, drinking वगैरह कोई bad habit उनके अंदर नहीं होनी चाहिए. तो woman health जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And if in our family, if a lady is pregnant, so we have to be very much extra careful to her. I think that's all for today. Thank you and have a nice day.